नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कोरल ड्रॉ के अंदर इन्फिनिटी शेप डिजाइन करना, इन्फिनिटी लोगो डिजाइन करना। और यहाँ पर मैं जो ये कोरल ड्रॉ यूज कर रहा हूँ, ये है कोरल ड्रॉ 2021। अगर आपको कोरल ड्रॉ 2021 अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है एकदम फ्री में, तो मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हो वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं यहाँ पर ये कोरल ड्रॉ 2021 ओपन कर लेता हूँ, डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पर मेरा कोरल ड्रॉ 2021 ओपन हो रहा है। अब यहाँ से मैं गेट स्टार्टेड से न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई भी साइज लेके ओके पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब मैं इस पेज को हटा देता हूँ, ये जो बॉर्डर है पेज का। यहाँ से व्यू मेनू में जाऊँगा और यहाँ से पेज और पेज बॉर्डर। अब इसके बाद हम सबसे पहले गाइडलाइन लगाएंगे। तो गाइडलाइन लगाने के लिए हमको यहाँ पर ये रूलर शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और इस तरह से एक गाइड ले लेनी है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से गाइड ले ली है। अब यहाँ पर मैं इलिप्स टूल सेलेक्ट करूंगा। इलिप्स टूल F7 आप प्रेस कर सकते हो, शॉर्ट कमांड। क्लिक किया और यहाँ पर मैं माउस पॉइंटर को इसके ऊपर लेके आता हूँ, गाइडलाइन के जस्ट ऊपर, और कुछ इस तरह से कंट्रोल की को दबा करके इस तरह से ड्रॉ करूंगा। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद मैं इसकी एक कॉपी बना लूंगा। तो इसके लिए मैं प्लस बटन प्रेस करूंगा, जो न्यूमेरिकल की के साथ में होता है प्लस बटन, वो एक बार प्रेस कर देना है। तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी। कॉपी बनने के बाद हम यहां से इसको कुछ इस तरह से पकड़ेंगे, ये जो कॉर्नर पे ब्लैक पॉइंट है इससे पकड़ेंगे और शिफ्ट को दबा करके इस तरह से अंदर की तरफ इसको छोटा करेंगे और अंदाज से हम इतना ले लेंगे। इसके बाद हम ये जो हमारी शेप है अंदर वाली, इसकी कॉपी कर लेंगे। तो प्लस बटन प्रेस करेंगे, इसकी कॉपी हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ से माउस के क्लिक से इस तरह से पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ लेके आएंगे। और जैसे ही ऊपर लेके आते हैं तो ये जो गाइडलाइन है इसके बराबर में हमारा ये जो शेप है ये ऑटोमेटिक आके रुक जाता है, यानी कि ये इसको कैच कर लेता है। अब हम इसको जूम करेंगे और इसके बाद हम पिक टूल सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से पिक टूल। इसके बाद हम इसको एडजस्ट करेंगे एकदम बराबर में। ठीक है, अब इसके ऊपर जैसे ही लेके आते हैं तो यहाँ पर हमारा नीचे और ऊपर दोनों तरफ से एकदम बराबर में इसके ये दोनों जो शेप हैं इनके ऊपर ओवरलेप हो जाता है। हमारे जो ये शेप की एज हैं, इसकी जो आउटलाइन है वो इसके ऊपर ओवरलेप हो जाती हैं। तो हम इसको जूम करेंगे और देख लेते हैं कि ओवरलेप हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर परफेक्ट तरीके से ये ओवरलेप हो चुका है। इसी तरह से आपको भी इसको एकदम परफेक्ट तरीके से ओवरलेप कर लेना है। अब यहाँ पे हम ये जो शेप है इसकी कॉपी बना लेंगे, तो प्लस बटन प्रेस कर देंगे तो इसकी कॉपी हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कॉपी करने का कि हम यहाँ से एडिट मेन्यू में जाएंगे और कॉपी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से एडिट मेन्यू में जाएंगे और पेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो इसकी इस तरह से कॉपी बन जाती है। इसको उठा करके हमको नीचे लेके आना है। यहाँ पर जैसे ही लेके आया तो ये ऑटोमेटिक कैच कर लिया और एक दूसरे के ऊपर जो हमारी आउटलाइन है ये ओवरलेप हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर ये ओवरलेप होना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके बाद हम ये जो शेप है इसकी कॉपी कर लेंगे फिर से। तो मैं प्लस बटन प्रेस कर रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको नीचे की तरफ लेके आऊँगा और यहाँ पर ला के इस तरह से छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारी जो आउटलाइन है वो एकदम प्रॉपर तरीके से ओवरलेप हो जाती हैं। यहाँ पर भी देख लेते हैं इनको, इस तरह से देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम इसको ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, इसको इस तरह से सेलेक्ट करना है तो ये ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम इसका एक कॉपी बना लेंगे। तो कॉपी बनाने के लिए हमको प्लस बटन प्रेस करना है तो ये जो सभी शेप्स हमने ड्रॉ किए हैं इनकी एक कॉपी बन जाएगी ग्रुप में। तो हम प्लस बटन प्रेस कर रहे हैं तो इसकी एक कॉपी बन चुकी है। अब इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग करके लेके आएंगे, नीचे की तरफ खिसका के लाएंगे, यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। जैसे ही इसको नीचे की तरफ लेके आते हैं तो इसने ऑटोमेटिक यहाँ पर ये मैच हो जाता है और ये पकड़ लेता है। ठीक है, जो आउटलाइन है वो मैच हो जाती है। देखिए आप, कुछ इस तरह से प्रॉपर तरीके से ये मैच हो चुकी हैं। इसी तरह से हमको यहाँ पर भी देख लेना है, एकदम प्रॉपर तरीके से हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हम इसको ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको इधर उधर मूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो आउटलाइन है चाहे तो इस आउटलाइन को हम हटा भी सकते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रेड कलर में हो जाती है, उसके बाद डिलीट बटन प्रेस कर देंगे तो ये हट जाएगी। अब यहाँ पर ये जो हमारा नीचे का पार्ट है और एक ऊपर का पार्ट है, तो हम नीचे के पार्ट को सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से सिलेक्शन बनाना है इसका, इस तरह से ये सेलेक्ट हो गया। इसके बाद हमको पिक टूल सेलेक्ट रखना है और यहाँ पर मिरर हॉरिजेंटली इस पर क्लिक कर देंगे तो ये शेप है जो एक विपरीत दिशा में चली गई है कुछ इस तरह से। अब आप देख सकते हो इस तरह से हो चुकी है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इनके बीच बीच में ये जो आउटलाइंस है इनको इरेज करेंगे। तो इरेज करने के लिए हमको यहाँ पर एक टूल है क्रॉप टूल, इस पर जाना है और इस पर एक ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर इसमें कई टूल हैं तो यहाँ पर इनमें से हमें वर्चुअल सेजमेंट डिलीट ये एक टूल है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं तो हमारा जो माउस का पॉइंटर है वो एक चाकू के आइकन की तरह आ चुका है। इसके बाद हम हमारी शेप को जूम करेंगे और यहां पर देखिए कुछ इस तरह से सिलेक्शन बनाएंगे इसका, मतलब इस तरह से सेलेक्ट करेंगे तो यहां पे जो भी आउटलाइन को हम सेलेक्ट करेंगे वो यहां से डिलीट हो जाएगी।
और इनको सभी को हम इरेज कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसको एकदम जूम करना है और इस तरह से इनको इरेज करना है, देखिए कुछ इस तरह। और मैं इधर से भी इसको इरेज कर लेता हूँ इस तरह से। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इस तरह से सिलेक्शन बनाएं तो यहाँ पर देखिए मैं एकदम ये क्रॉस पॉइंट है जो हमारी एज है इनका एक क्रॉस पॉइंट आ रहा है, इस पर लेके आता हूँ माउस पॉइंटर को, तो यहाँ से इंटरसेक्शन लिखा हुआ आ रहा है। अब इसका मतलब है कि जब हम इस तरह से माउस क्लिक को छोड़ देंगे तो क्या हुआ कि हमारी जो ये जो शेप थी वो पूरी आर पार यहाँ तक डिलीट हो गई है। कंट्रोल जेड करूँगा मैं और यहाँ पर देख सकते हो ये अभी हमने इरेज कर दी थी। तो हमें कैसे सिलेक्शन करना है इसका, इस तरह से हम इसका सिलेक्शन करेंगे तो अब कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ये अंदर वाली ही शेप, अंदर वाली जो आउटलाइन है वो ही इरेज होंगी। तो इस तरह से हम इसको सभी को इरेज कर लेते हैं जल्दी से। जिस तरह से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ उसी तरह से ये इरेज करनी है। नीचे का पार्ट हमारा क्लियर हो गया, अब हम ऊपर यहाँ से भी इसको इरेज कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने ये इसको इरेज कर लिया है पूरी तरीके से, आप देख पा रहे हो इस तरह से। अब यहाँ पे हमारी जो शेप है वो कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग बन चुकी है। अब इसके बाद हम स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे नीचे नीचे और इसके राइट डाउन कॉर्नर पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर स्मार्ट फिल एक टूल है इसको सेलेक्ट करेंगे। स्मार्ट फिल को सेलेक्ट किया उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो शेप है ये इसमें क्लिक करेंगे तो ये पूरी इस तरह से फिल हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरह से जो सभी शेप हैं इनको फिल कर लेना है कुछ इस तरह से। ये जो सर्किल है बीच का इसको छोड़ देना है। तो इसके बाद हम यहाँ से पिक टूल सेलेक्ट कर लेंगे। पिक टूल सेलेक्ट करने के बाद हम इस वाली शेप को सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद हम इंटरेक्टिव फिल टूल सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल सेलेक्ट किया तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी में आप देख सकते हो यहाँ पर एक ऑप्शन है फाउंटेन फिल, ये ग्रेडियंट कलर यहाँ से फिल होता है, यहाँ से हम ग्रेडियंट कलर ही चूज करेंगे। तो हम या तो इस पे इसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे या फिर हम कुछ इस तरह से अपने माउस पॉइंटर को इस तरह से ड्रैग करेंगे, देखिए कुछ इस तरह से, तो इसके ऊपर कलर फिल हो जाएगा। अब यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक बॉक्स छोटा सा इधर है और एक कलर बॉक्स इधर भी है, इन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कलर पिक करने के लिए ड्रॉप डाउन एरो आ जाती है और यहाँ पर इसकी जो ट्रांसपेरेंसी वो हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये कलर पिकर का एक विंडो आ जाती है यहाँ पर और यहाँ से हम अपनी कलर को चूज कर सकते हैं जैसा भी हमें कलर चाहिए कुछ इस तरह से। तो जो भी कलर पसंद है वो आप ले सकते हो, तो मैं कुछ इस तरह का कलर है वो इसमें ले लेता हूँ। कलर यहाँ से चूज कर लिया और यहाँ से ओके तो है नहीं है इसमें, तो हम बाहर क्लिक कर देंगे, इस तरह से इस पर कलर फिल हो जाएगा। उसी तरह से हम इसका भी कलर चूज कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी एक कलर चूज कर सकते हैं या फिर हमको इसको क्लिक करना है इसके ऊपर और यहाँ से भी कलर फिल कर सकते हैं कुछ इस तरह से, देखिए इस तरह से। तो जो भी कलर आपको फिल करना है वो आप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये कर लिया, इस पर क्लिक करूँगा और इस पर भी हम यहाँ से क्लिक करके कोई भी एक कलर चूज कर लेंगे। यहाँ से देखिए ये विंडो इस तरह की है, इसको चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह की हो जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की आएगी। अब यहाँ पर आपको मान लीजिए कोई अलग से कलर चूज करना है तो देखिए यहाँ पर एक कलर आई ड्रॉपर भी दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको बाहर लेके जाएंगे। जिस कलर को आपको भरना है उसको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मान लीजिए ये कलर आपको चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक ये पिक कर लेता है कलर को और यहाँ पर बाहर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से फिल हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ से कोई कलर दूसरा चूज कर लेता हूँ, जैसे कि मैं ये कलर चूज करना चाहता हूँ, इसको इस तरह से फिल कर लूँगा। फिल करने के बाद अब हमको यहाँ पर भी एक कलर चाहिए, ठीक है, बीच बीच में भी अगर आप एक से ज़्यादा कलर और फिल करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे, ये जो हमारी लाइन है यहाँ पर हम डबल क्लिक कर देंगे तो ये एक बॉक्स यहाँ पर भी आ जाता है। अब यहाँ पे हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं तो इस तरह से क्लिक करेंगे या फिर यहाँ से चूज कर लेते हैं, तो मैं यह वाइट कलर ले लेता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह का। अब मैं इसको जूम आउट करूँगा और इसके बाद ये जो कलर हमने इसमें फिल किया है यही कलर हम इन सभी शेप्स में फिल करेंगे। तो इसके लिए हम सिंपल
यहाँ इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे, देखिए इसमें इसमें क्लिक कर दिया तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है ये चेंज हो गई है। और यहाँ पर एक ऑप्शन है कॉपी फिल, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमने कॉपी फिल ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारा माउस पॉइंटर है वो चेंज हो गया। अब यहाँ पर मैं जैसे कि इस कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इसमें ये जो शेप है इसमें यही कलर फिल हो जाएगा। जैसे इस पर क्लिक किया तो आप देख पा रहे हो इसमें ये कलर ऑटोमेटिक फिल हो गया। अब इसके बाद ये जो कलर है इसका हम स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, देखिए कुछ इस तरह से। ये जो हमारा स्केल है ये स्केल है, इससे हम कुछ इस तरह से इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसा आपको रखना है वैसा आप रख सकते हो। इसको पकड़ के हम इधर उधर मूव भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, देखिए इसको पकड़ के हम कुछ इस तरह से मूव कर सकते हैं। जैसा भी आपको करना है वैसा आप कर सकते हो। तो इसके बाद हम इस वाली शेप में कलर फिल करेंगे तो इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम कॉपी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो भी कलर होगा वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। देखिए इसको क्लिक करेंगे इस पर तो इसमें आ गया। अब इसको आप एडजस्ट कर लीजिए, इसको हम इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, देखिए ठीक है। फिर हम इस पर इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम कॉपी पे क्लिक करेंगे और फिर इस कलर की कॉपी करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो इसके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से सभी जो कलर हैं उनके ऊपर इसको फिल कर लेना है, ठीक है। तो मैंने इस तरह से सेलेक्ट किया कलर। अब इसके बाद मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर भी कलर फिल करूँगा तो यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद मैं कॉपी पे क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। देखिए इसमें कलर फिल हो गया। अब ये जो स्केल है इससे मैं कलर को एडजस्ट कर लेता हूँ। जैसा भी हम करना चाहें उसी तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, देखिए। इसके बाद हमको इसमें कलर फिल करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे कॉपी पर और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो यही कलर इसमें फिल हो जाएगा इस तरह से। और इसको भी एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से, अब इसके बाद हम इसमें भी फिल कर लेते हैं कॉपी क्लिक और इस तरह से हमने इसमें कलर फिल कर लिया है। तो ये हमारा कलर इसमें फिल हो चुका है। अब आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इस तरह की हमारी जो इन्फिनिटी शेप है वो बनके रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे हम पिक टूल सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम इसको ऑल सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, देखिए कुछ इस तरह से इसको ऑल सेलेक्ट कर लेना है तो ये ऑल सेलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारी जो आउटलाइन है अंदर की तरफ कुछ अंदर बाहर जो भी आउटलाइन है उनको हम हाइड करेंगे। तो हाइड करने के लिए तो इसके लिए यहाँ पर हमें एक वाइट बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें एक रेड लाइन है यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों जगह क्लिक कर सकते हैं, एक ही काम होगा दोनों जगह से। तो यहाँ पे हम क्लिक कैसे करेंगे, अल्ट को दबा के रखना है और इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ये सेलेक्ट रहना चाहिए। अल्ट को दबा करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो आउटलाइन है वो हाइड हो चुकी है। अब आप इजी तरीके से देख सकते हो ये हमारी इन्फिनिटी जो शेप है, जो डिज़ाइन है वो बनके रेडी हो चुकी है। ऐसी डिज़ाइन आप बना करके आप चाहो तो लोगों की तरह यूज कर सकते हो या फिर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। तो ये आपको कोरल ड्रॉ के अंदर आना बहुत ही ज़रूरी है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह से एक इन्फिनिटी शेप डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा और इसको इस तरह से इधर मूव भी कर सकते हैं, जहां पर भी रखना है रख सकते हैं। प्लस बटन प्रेस करेंगे इसकी कॉपी हो जाएगी और इसको इधर उठा के यहां पर रख देंगे तो इस तरह से ये जो हमारी शेप है वो रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम इसको सेव कर सकते हैं, फाइल मेनू में जाएंगे और यहां से एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो भी फॉर्मेट रखना चाहो रख सकते हो। तो यहाँ से जगह जेपीजी है और यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं वो दिए गए हैं। यहाँ से आप अडोब इलस्ट्रेटर में भी इसको सेव कर सकते हो और यहाँ पर जो फॉर्मेट हैं वो बहुत सारे फॉर्मेट हैं, आप जो भी रखना चाहो रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर जेपीजी सेलेक्ट करूँगा, जेपीजी मैंने सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ और यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक कर दूँगा, यानी एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद ये यहाँ से इसको मैं ओके कर देता हूँ, ओके। और ये हमारी जो डिज़ाइन है, लोगो है, जो भी कहना चाहो उसको कह सकते हो, ये सेव हो चुकी है। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको देख सकते हैं ओपन करके, कुछ इस तरह से बनी है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज आप देखना पसंद करते हैं, सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।